हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अदानी की टोटल गैस शेयर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो इस स्टॉक में आपको देख सकते हो कि पहले ही बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिला, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिला, और अभी वीकली चार्ट से हम डेली चार्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि आपको दिखाना है कि कहाँ तक ये स्टॉक अगर फर्दर गिरे तो कहाँ तक गिर सकता है। क्योंकि स्टॉक में अभी जो MSCI की तरफ से जो लेटेस्ट न्यूज़ आया है 4-5 मिनट पहले कि MSCI अदानी के दो स्टॉक को आपको रिव्यू करने वाला है, और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में बड़े बड़े एनालाइजर और बड़े बड़े एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में FII और API भारी भारी मात्रा में सेल करने वाला है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा होगा ही, ऐसा कोई कहने वाली बात नहीं है। मतलब ये न्यूज़ निकल के आया है सामने, तो आप सबको अलर्ट रहना चाहिए अगर आपका पैसा ये दोस्त अदानी स्टॉक में लगा है तो। तो अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन के बारे में बारीकी से वीडियो बना के डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा है तो इनका प्रायोरिटी सबसे पहले इन दो स्टॉक के बारे में वीडियो बना के आज डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हो कि दोस्तों कहाँ तक ये स्टॉक आपका 920 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसके बाद सर्किट स्टॉक में आप कुछ कहा नहीं जाता, फिर भी ट्राई करेंगे कि क्या बताया जा सकता है, क्योंकि सर्किट स्टॉक में क्या है कि कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता है। फिर भी आपको अगर ये स्टॉक देख सकते हो कि यहाँ अगर 815 तक अगर गिरेगा तो गिर सकता है, क्योंकि यहाँ इस जोन में आपको देखने को मिला है कि बार बार यहीं पर आया है स्टॉक और फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो 815 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, और ये सपोर्ट को मुझे लगता है कि अब मार्केट का कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि फिर भी आपको ये जो सपोर्ट है 815 का, अगर बहुत ही बैड कंडीशन हुआ तो, अगर बहुत ही हाई सेलिंग हुआ तो 815 का ये सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इससे भी नीचे जाता है तो फिर आपका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है और जो इस चार्ट का, इस स्टॉक का जो हाईएस्ट सपोर्ट है वो है आपका 638 का। जी हाँ दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर भारी मात्रा में FII का ही सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है अदानी टोटल गैस एंड अदानी ट्रांसमिशन में, तो अगर ये लोग ज़्यादा भारी मात्रा में सेलिंग करने वाला है तो ये जो स्टॉक का प्राइस है यहाँ तक भी आ सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, फिर भी आपको ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर नीचे के लेवल का आपका पोटेंशियल है तो 638 में आ सकता है, और अगर हायर लेवल में पोटेंशियल है तो अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का तो 815 पे आ सकता है। तो अगर देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट कौन सा होने वाला है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट रहने वाला है 1026 का। और मुझे नहीं लगता कि अभी ये जो न्यूज़ निकलने के बाद इतना ऊपर तक आ सकता है, तो कुछ ट्रेडिंग कुछ टाइम लगेगा दोस्तों ये 1026 आने के लिए अदानी टोटल गैस का। और तब तक के लिए 815 आपका मेजर सपोर्ट का काम करेगा, इस लेवल को ये स्टॉक रेस्पेक्ट देगा दोस्तों। और बाकी अगर देखा जाए तो बाकी आपको देख सकते हो कि 815 और 638 का लेवल को भी आपको दिमाग में रख देना है दोस्तों, 638 का लेवल, क्योंकि यहाँ तक स्टॉक अगर ज़्यादा बियरिश होगा तो 638 का लेवल दिखा सकता है, और अगर कम बियरिश होगा तो 815, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के जो एनालाइज़र है वो ये एनालिसिस कर रहे हैं कि अदानी के दो स्टॉक में भारी गिरावट हो सकता है। क्यों गिरावट हो सकता है? क्योंकि MSCI रिव्यू करने वाला है इनका फ्री फ्लोट को लेके, फ्री फ्लोटिंग हो रहा है इस स्टॉक इन दोनों स्टॉक में अदानी के, तो इसका प्राइस में आपको कंट्रोल करने के लिए इसको रिव्यू करेंगे। तो इस वजह से आपका FII और FPI जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है कि सेल कर दे क्वांटिटी बड़ा बिग मात्रा में, तो उसमें मेजर सपोर्ट ये पहला सपोर्ट ये काम करेगा, दूसरा सपोर्ट ये काम करेगा 638। और अगर टारगेट देखा जाए तो टारगेट आपको आएगा उसके बाद ही, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपका पहला जो रेजिस्टेंस है वो आपका 1014 रुपये पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये 1014 अगर क्रॉस करता है फिर आपको 1026 का लेवल दिखा सकता है स्टॉक, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अभी चलते हैं दोस्तों,
अभी आपका वीकली चार्ट में लेके चलते हैं। वीकली चार्ट में क्या कुछ निकाल के आ रहा है स्टॉक में देख लेते हैं बारीकी से। वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड जोन बना रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट देगा ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट वीक जो आने वाले मंडे का जो सेशन है, आने वाले वीक का ट्रेडिंग के बाद ही आपको इसमें ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन कुछ एनालिसिस कर पाएंगे। क्योंकि जो न्यूज़ अदानी के स्टॉक अभी न्यूज़ बेस बन गया है, जो भी न्यूज़ आ रहा है उसी के ऊपर बाइंग सेलिंग चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका देसी और विदेशी दोनों इन्वेस्टर भर भर के माल उठा रहा है। अगर आप मार्च के क्वार्टर में देखोगे तो उसका डाटा निकल के आया है जो मैं पिछले वीडियो में बना के दिखाया हूँ। मार्च के डाटा में आपका भारी मात्रा में आपका बाइंग हुआ है आपका अदानी के पाँचों स्टॉक में, ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक में, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव किया है अदानी देसी विदेशी दोनों इन्वेस्टर को। तो ये आपका अदानी के स्टॉक में जैसे कि देख सकते हो कि आपका एनालाइजिंग करके एक बताने का कोशिश किया गया है। अगर वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना आप ही के चैनल मनी मेकर 2307 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।